हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हेयर केयर से रिलेटेड चीज़ें, जो कि हर एक इंसान की आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, या हमारे बाल कम हो रहे हैं, या हमारे जो बाल हैं वो लंबे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब की प्रॉब्लम रहती है, तो यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड रखते हैं, और अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट जानना चाहते हैं अपने हेयर्स के बारे में, और हेयर्स को किस तरह से रीग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से उनका केयर की जा सकती है, तो यही सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। डेफिनेटली अगर आप किसी भी टाइप की हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं वीडियो को, देर नहीं करते हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखना आप। जब आप, तो होता क्या है कि फिर जब आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो जो भी पूरी प्रोसेस होती है वो आप बीच में जो है स्किप हो जाती है आपसे भी, क्योंकि आपको नहीं पता होता उस बीच में क्या बोला गया था या क्या किया गया था। तो इससे फिर क्या होता है, बेनिफिट आपको वैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मैं कोई DIY आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हेयर्स के लिए, आपके जो हेयर की लेंथ है, हेयर फॉल है, उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका इसके बाद भी आपका कोई डाउट अगर आपका रह जाता है, तो डोंट वेरी। अगर आपका हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं बोलना भूल जाऊँ, या जो आपकी प्रॉब्लम हो वो मैं ना बोल पाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगी, या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर वन पॉइंट जो है वो ये रहता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि बाल झड़ रहे हैं, तो सबसे पहले, या फिर आप होता है कि बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, किसी के बाल बहुत बहुत पतले होते हैं। ठीक है, तो हम सब किसी ना किसी तरह से अपने बालों को लेकर मतलब परेशान रहते हैं। अगर आप भी ये सब चीज़ें सोचते हैं, या फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि सर्च करते हैं, ओके, क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो चलो भाई हम देखते हैं क्या मुझे करना चाहिए। तो या तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, या फिर हम जाते हैं यूट्यूब पे। जैसे ही हमने देखा कि ओके दही लगानी चाहिए, हम दही अप्लाई कर लेते हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते, देन हम दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर हमें देखते हैं कि ओके आंवला लगाना चाहिए, किसी ने हमें बताया कि आंवला लगाना चाहिए, हम इमिडिएटली आंवला लगाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर भी हमारा जो हेयर फॉल है वो कम नहीं होता है। ठीक है, कभी हम ये ऑयल लगाते हैं, कभी वो ऑयल लगाते हैं, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ये हो सकता है आपके साथ कि ऐसा आपके साथ हो भी रहा हो। अब बताइएगा मुझे कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा हो भी रहा होगा। तो इसके मेन जो कारण है इसका क्या होता है कि सबसे पहले हमें जानना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और क्यों है। जब तक हमें उसका रीज़न नहीं पता होगा, तो हम जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तो हमें डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं हेयर्स की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। तो इनमें से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, ये भी आपने देखना है। अभी मैं आपको बता, अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो सबसे पहले हमने जाना है हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को जानना है। ठीक है, अब मैं वन बाय वन करके एक एक चीज़ें आपको बताती हूँ कि किस किस तरह के हेयर टाइप्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इन सब में से आपका जो भी होगा मुझे कमेंट जरूर करना। आप मुझे कमेंट करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना पाऊँगी, नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो फिर मैं भी मतलब उतना आपकी हेल्प जो है नहीं कर। सबसे पहला है कि आपका स्कैल्प कैसा है। ठीक है, स्कैल्प मतलब जिस तरह से हमारी स्किन होती है ना, ऑयली होती है, ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है, सेम इसी तरह से जो हमारे जहाँ पे हमारे बाल उगते हैं, जो हमारी ये पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं स्कैल्प। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा स्कैल्प जो है वो कैसा है, जहाँ पे हमारे बाल ग्रो हो रहे हैं वो एरिया जो है वो किस तरह का है। तो वो तीन तरह का हो सकता है, ऑयली हो सकता है, ड्राई हो सकता है, सेंसिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑयली जो स्कैल्प होता है उसकी पहचान क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑयली स्कैल्प की पहचान ये होती है, जैसे आज आपने शैम्पू किया, कल आपने स्किप किया, या तो कल ही आपको आपके ऑयल जो आपका जो हेयर जो है वो ऑयली ऑयली आपको लगने लगती है, ये हो गया, या फिर एक दिन छोड़ने के बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम लगने लगती है कि पूरा जैसे हेयर्स में ऑयल ऑयल आपको लगने लगता है, और बहुत चिपचिप आपके बाल लगते हैं आपको, तो ऑयल निकल आता है आपके हेयर से, सॉरी आपके स्कैल्प से, तो ये होता है ऑयली स्कैल्प। ठीक है,
करियर है ये, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला था ये, दूसरा है हमारा ड्राई स्कैल्प। ड्राई स्कैल्प क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम शैम्पू कर लेते हैं, शैम्पू के बाद हमें बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई फील होता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि जब शैम्पू करते हैं उसके बाद डेफिनेटली उन्हें जो है कंडीशनर अप्लाई करते हैं, नहीं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अपने बाल और अपना स्कैल्प ड्राई ड्राई फील होता है। उनके बालों में अगर वो 1 वीक या 15 डेज भी ऑयल नहीं लगाएंगे तो भी उनको अपना स्कैल्प जो है ऑयली फील नहीं होगा। तो यही है हमारे ड्राई स्कैल्प की पहचान। तो ये था दूसरा, डन, ड्राई स्कैल्प हो गया, ऑयली स्कैल्प हो गया, ड्राई स्कैल्प हो गया। तीसरा जो हमारा है वो है हमारा सेंसिटिव स्कैल्प। सेंसिटिव स्कैल्प में क्या होता है, जब भी आप कोई नई चीज़ अपने हेयर्स पे अप्लाई करती हैं, कुछ भी, जैसे आपको खुजली हो रही है, सपोज करो आपको खुजली हो रही है और आपने ऐसे थोड़ा सा खुजा लिया उस स्किन को, अपने स्कैल्प को, तो क्या होगा, आपको या तो दाने हो जाएंगे या रैशेस हो जाएंगे या फिर बहुत रेडनेस वहाँ पे फील होने लगती है आपको। ठीक है, देखा होगा किसी किसी के जो हेयर्स होते हैं, सॉरी स्कैल्प होता है, जब आप इस तरह से उनको देखेंगे ना तो उनका काफ़ी रेड रेड फील होता है। जैसे हम इचिंग करते हैं, खुजली करते हैं, तो काफ़ी रेडनेस वहाँ पे आ जाती है। तो ये होता है सेंसिटिव स्कैल्प, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत अगर आप खुजली करते हैं तो वो एक इन्फेक्शन का रूप ले लेती है, या फिर कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर लो जल्दी से आपको लाइक सूट वो चीज़ नहीं करती है। ये सेंसिटिव स्कैल्प की पहचान होती है। तो तीनों ही मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ड्राई स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प, सेंसिटिव स्कैल्प। ठीक है, ये तीन थे हमारे, हमारा जो सरफेस है, हमारा जो टाइप है जहाँ पे हमारे हेयर्स ग्रो होते हैं वो हमारा कैसा है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ों को देखना है। अब आप देखिए कि आपका स्कैल्प किस तरह का है। ओके, डन, ओके, स्कैल्प का पता लग गया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे हेयर की लेंथ जो है उसका क्या टाइप है। हेयर की लेंथ का भी टाइप होता है, कुछ लोगों के कर्ली हेयर होते हैं, कुछ लोगों के ड्राई होते हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, किसी के रफ़ होते हैं। तो हेयर की जो लेंथ है वो भी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। तो अब आपने देखना है कि आपके हेयर की लेंथ कैसी है। बहुत से लोगों को स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। स्प्लिट एंड मतलब एक ही बाल अपने 3-4 रास्ते निकाल लेता है। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है, देखिए एक बाल है, एक बाल जबकि यहाँ पे एंड होता है हमारा, है ना, यहाँ पे एंड होता है, बट इसके बावजूद उसके 3-4 रास्ते ऐसे निकल जाते हैं, दो तो निकल ही जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हेयर है इसके ऊपर भी एक लेयर नहीं है, इसके ऊपर भी 2-3 लेयर 3 लेयर होती है। जैसे हमारी स्किन के ऊपर लेयर होती है, इसी तरह से हमारे हेयर्स के ऊपर भी लेयर्स होती हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि वो सडन करके डैमेज नहीं होते हैं। तो जैसे ही ऊपर से उसको कुछ प्रॉब्लम होती है या बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, रफ़ हो जाते हैं, तो वो उनको ऊपर की जो लेयर होती है वो उतर जाती है और फिर वो अपना एक अलग रास्ता बना लेती है। तो ये होते हैं स्प्लिट एंड होते हैं। तो आपने फाइंड आउट करना है कि आपके हेयर की लेंथ कैसी है, क्या उसका टाइप है। अगर जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे बाल बहुत रफ़ है या फिर मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं या फिर मेरे बाल बहुत सिल्की हैं, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे चीज़ें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसके बाद आपको पता होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपके बाल हैं ऑयली, आपका स्कैल्प है ऑयली और आप किसी ड्राई स्कैल्प के लिए कोई चीज़ बोली जा रही है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी ही, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। बट सबसे पहले हमने जानना है कि हमारे हेयर का, हमारे स्कैल्प का स्ट्रक्चर क्या है, उसका टाइप क्या है, वो किस तरह से किस चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हो गया, डन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर फॉल आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो देखना है अपने। उसके बाद फाइंड आउट करना है कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हेयर फॉल के भी बहुत से कारण हो सकते हैं। हेयर फॉल का सबसे पहला कारण हो सकता है डैंड्रफ। अगर आपको डैंड्रफ है तो हेयर फॉल को कोई नहीं रोक सकता, आपको हेयर फॉल होगा ही होगा, आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे अगर आपको डैंड्रफ है तो। ठीक है, होता क्या है, डैंड्रफ होता है, हम खुजली करते हैं या फिर डैंड्रफ की एक परत जम जाती है हमारे हेयर्स पे, है ना, तो वो जब परत जो होती है वो हमारे बाल के फोलिकल्स को बहुत वीक कर देती है, हमारा बाल टूट जाता है और फिर वो ऊपर से कवर रहती है और जो हमारा जहाँ से बाल हमारा उगना होता है ना उसे वो ब्लॉक कर देती है, उसे लॉक कर देती है। तो उसकी वजह से हमारे जो हेयर्स जो हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर एक जो गंजेपन की प्रॉब्लम आती है ना वो इसी वजह से आती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि
कोई भी चीज़ अप्लाई बाद में हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें करेंगे, बट आज हम जानेंगे कि हमारे हेयर्स का टाइप क्या है, हमारे जो स्कैल्प है वो किस तरह से वर्क करता है या कैसा है वो, तभी हम पता लगेंगे ना। जब हमें पता ही नहीं है हमें बुखार है खांसी है या क्या है, तो कोई भी मेडिसिन ऐसे वर्क नहीं करेगी। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हम करने वाले हैं, हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि आपके हेयर फॉल का कारण क्या है। अब आपको कारण पता चल गया, कारण पता लग गया उसके बाद आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करना है कि आपका कारण ये है इसलिए आपको हेयर फॉल हो रहा है। वैसे मैं इन सभी चीज़ों पे सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि अब तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक इसे कर दीजिए, डेफिनेटली आगे का वीडियो भी बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके हेयर जो फॉल हो रहा है उसका कारण क्या है। कोई बीमारी हो सकती है, जैसे अभी कोविड चल रहा था, अगर आपको कोविड हो चुका है तो उसके बाद से जो है हेयर फॉल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है, ठीक है। या फिर आप अपनी जो हेल्थ है या अपने हेयर्स हैं उनका प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उस वजह से भी हो सकता है। या आपका गट क्लीन नहीं है, अगर आपका गट क्लीन नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड सभी तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। इसलिए आपका गट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका पेट हमेशा साफ रहना चाहिए, तभी आपकी जो भी हेयर और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है उसी वजह से आती है, ठीक है। और भी इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप केमिकल अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल अगर आपने अप्लाई कर लिया है, जैसे कि आप करते ही रहते हैं हेयर्स कलर आपके, कभी आप टचअप करवाते रहते हैं, तो ये भी वजह हो सकती है आपके हेयर फॉल का, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है, ठीक है। कभी कभार चल जाता है कि हम कलर करवा रहे हैं, ओकेजनली कभी करवा लिया, इट्स ओके, बट मैं तो ओकेजनली भी आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं बोलूँगी, बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी, बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं दूँगी किसी भी कीमत पे कि आप कलरिंग करवाइए किसी भी तरह की, ठीक है। तो ये भी आपको कभी नहीं करवानी चाहिए, इस ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके हेयर फॉल होने का, ठीक है। और आपने हमेशा कोशिश करनी है, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि शैम्पू, कौन सा शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अभी चैनल पर हर वीडियो आपको मिलने वाली है, तो आप तैयार रहिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जो साइड में रेड बटन है उसे क्लिक कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शैम्पू का भी आपने ध्यान रखना है कि किस तरह का शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं। जब भी कोई भी प्रोडक्ट स्किन के लिए, हेयर के लिए कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो आप उसको पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हेयर के लिए अच्छी नहीं होती, केमिकल होता है, एल्कोहल होता है, पैराबिन होता है, सल्फेड होता है, जो कि हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आपने देखने। दूसरा, आपने कभी भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आप देखें कि वो एनिमल टेस्टेड ना हो, ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें कि जो एनिमल टेस्टेड ना हो, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, फिर आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन आप इजीली आपको मिल जाएगा। तो बस यही था आज का वीडियो, होता यही है, हमें चीज़ों का पता नहीं होता है और हम अप्लाई करते रहते हैं जो कि हमारे लिए फिर बेनिफिशियल नहीं होती हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि सबसे पहले आप फाइंड आउट करें आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब आपको आई होप कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आपको पता लग गया होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आपको हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों आपके जो चोटी है वो मोटी नहीं हो रही है, क्यों आपके हेयर की लेंथ जो है वो बड़ी नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से क्यों आपको लाइक गंजेपन की प्रॉब्लम आती जा रही है, तो ये सब चीज़ें आपको पता लग गई, इसके बाद इन्हें ठीक करना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो बहुत ईजिली ये चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप करके एक एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर उससे पहले आपको करना क्या है कि मुझे कमेंट करें कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कि किस क्या है आपका स्कैल्प किस टाइप का है, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट डाउन करें। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। होता क्या है कि बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि कभी कोई बोलता है कि एग अप्लाई कर लो, कभी कोई बोलता है दही अप्लाई कर लो। देखिए, चीज़ें सारी ही अच्छी होती हैं, ठीक है। हम जिस तरह से हमारी बॉडी को खाने के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मौसम के अकॉर्डिंग और इन्वायरमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग और आपके घर में पानी कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आप देखें, आप खुद देखेंगे, मैं तो देखती हूँ, आप देख सकते हैं मेरे बाल तो अच्छे खासे हैं, तो मैं तो देखती हूँ। अब आप भी इन चीज़ों को फॉलो करिए और देखेंगे कि आपके बाल भी किस तरह से कितने सुंदर होने वाले हैं,
आप विश्वास करेंगे, मैं कंडीशनर मेरे पास रखा हुआ है, मतलब क्योंकि मैं पहले अप्लाई करती थी, अब अराउंड 7 to 8 month हो गया मुझे टच भी नहीं किया मैंने कंडीशनर को। इवन पार्टी हो, फंक्शन हो, कहीं भी मुझे जाना हो, मैं कंडीशनर अप्लाई नहीं करती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं ना, तो कुछ भी कर लो, आप कुछ भी अप्लाई कर लो, किसी चीज़ का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने DIY किया, उसके बाद आपने कंडीशनर अप्लाई किया, फिर से आपके स्कैल्प पे वो जमा होएगा, आपके हेयर पे वो जमा होएगा, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कभी ओकेजनली आपने किया, इट्स ओके, बट आप डे टू डे लाइफ में अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले आप इसे स्टॉप कर दीजिए। मैं सच बताऊँ ना, मैंने तो डस्टबिन में फेंका है एक्चुअली उसे। ठीक है, मैंने वैदिक्स यूज़ किया था, तो जो कि बोलते हैं ना कि आपकी हेयर को, हेयर के अकॉर्डिंग वो आपको चीज़ें बताएंगे, उन उसमें ना तीन चीज़ें होती थी, 1500 का कुछ डिस्काउंट के बाद, तब हम 1 साल या 6 महीने का कुछ एक साथ परचेज करते हैं ना, तो तब वो कुछ 1500 का हमें देते हैं। उसमें एक कंडीशनर होता है, एक ऑयल होता है, कंडीशनर नहीं होता, शैम्पू होता है, ऑयल होता है, और एक होता है सीरम। ठीक है, ये तीन चीज़ें वो हमें देते हैं और वो हमें अप्लाई करनी होती हैं। और बकवास, एकदम बकवास था, मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो। अगर आप में से कोई देख रहा है इस वीडियो को जो कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है और उन्हें रिजल्ट मिल रहे होंगे मे बी, तो मुझे कमेंट डाउन जरूर करना। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो है रिजल्ट मिल जाए, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे या वैसे है तो वो केमिकल ही, तो नेचुरल चीज़ें जितनी अच्छी होती हैं हेयर्स के लिए उतना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो रिजल्ट्स देने में थोड़ा देरी कर सकती हैं, बट अगर आप ट्रस्ट रखोगे तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, जब मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो आपको भी जरूर मिलेगा, तो आप टिके रहिएगा, अपना विश्वास बनाए रखिएगा, रिजल्ट्स आपको जरूर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ मुकेश भट्टी टिप्स, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करें।